स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल फ्यूचर टेक में। और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे रेनो 2 का। ये है ओप्पो का रेनो 2, बड़ा सारा डब्बा और काफ़ी हैवी वेट है ये। तो करते हैं इसकी सील ब्रेक और देखिए वीडियो को आप अंत तक कि इसमें ओप्पो ने इस बार रेनो 1 से रेनो 2 में क्या अपग्रेड किया है, क्या प्लस किया है, क्या माइनस किया है। बाहर की तरफ अगर हमने देखें तो हमें यहाँ मिल जाता है लिखा हुआ मेड इन इंडिया। और ये हमने इसको ये खुल गया है हमारा बॉक्स और सबसे ऊपरी ऊपर मिलता है हमें ये एक सेक्शन। अगर बात करें हम इस सेक्शन की तो ये है ब्रांडिंग ओप्पो रेनो 2 की। और अंदर की अगर हम इसमें बात करें तो हमें इसमें मिल जाता है एक पेपर वर्क वगैरह जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। और रखते हैं इसको साइड में। ये मिल जाती है हमें हमारी मेन यूनिट और थोड़ी सी हैवी वेट लगती है, साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा है मुझे, साइज़ कॉम्पैक्ट लग रहा है। तो इसको रखते हैं एक बार हम यहाँ साइड में। उसके बाद में हम बुक्स के नीचे देखना चाहेंगे कि यहाँ हमें क्या क्या मिल जाता है। ये मिल जाता है हमें एक पीछे से एक लेदर फिनिश बैक केस जो कि है काफ़ी इम्पोर्टेंट अपने फ़ोन की प्रोटेक्शन के लिए। और ग्रिप जो है वो काफ़ी शानदार है इसकी। तो ये कवर जो है ये काफ़ी मुझे पसंद आया, कवर एकदम अच्छा है और बिल्ड क्वालिटी शानदार है कवर की। उसके बाद में अगर हम बात करें तो हमें यहाँ मिल जाती है ये एक USB 2 टाइप सी केबल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है फास्ट चार्जिंग के लिए। फास्ट चार्जिंग जो है वो ये सपोर्ट करता है फ्लैश चार्ज 3। और ये हमें नीचे यहाँ मिल जाता है सिम इजेक्टर टूल जो कि बहुत काम की चीज़। और इसको भी हम अभी देखेंगे कि ये हाइब्रिड स्लॉट दिया है या नहीं दिया है, क्या है जो भी है। ये मिल जाता है हमें ओप्पो की तरफ से एक सुपर फास्ट चार्जिंग पावर एडाप्टर जिसकी अगर मैं आउटपुट की अगर मैं बात करूं तो ये है 5 वोल्ट, ये है 5 वोल्ट 4 एम्पियर का, यानी कि 20 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ। और हमें मिल जाते हैं लास्ट में ये एक एप्पल के ईयरफोन की तरह है, सेम ओप्पो ने भी अपने निकाले हैं ईयरफोन जो कि हैं 3.5 mm जैक के साथ, जो कि है बहुत ही अच्छी बात। अब हम इसमें आगे देखते हैं, फ़ोन को हम बूट करते हैं और ये सारा सामान एक बार हम रखते हैं साइड में। और ये है हमारे मेन यूनिट, इसका प्लास्टिक रैप उतारते हैं। और जो कलर है ये है गजब का कलर और बहुत ही शानदार फिनिश है, एकदम बहुत ही अच्छी फिनिश। आई होप इसमें बैटरी हो, है इसमें बैटरी। ये फ़ोन हो चुका है हमारा बूट और ये है गजब की ये डिज़ाइन। और जो कैमरा सेटअप है वो है काफ़ी बड़ा और वर्टिकल। और ये एक ब्रांडिंग हमें मिल जाती है ओप्पो डिज़ाइंड फॉर रेनो। और यहाँ ये एक हमें मिल जाता है सेकेंडरी माइक्रोफोन। ये जो हमें नीचे कैमरा मिलता है ये मिलता है 2 MP का डेप्थ सेंसिंग के लिए। उसके ऊपर वाला जो मिलता है वो हमें 8 MP का, और उससे ऊपर वाला ये जो कैमरा है ये 13 MP का, और ये जो जूम लेंस है ये है 48 MP का। साइड में दिया गया है हमें ड्यूल LED फ्लैश। और अगर फ़ोन के हम लेफ्ट साइड की हम बात करें तो लेफ्ट साइड में हमें यहाँ मिल जाते हैं वॉल्यूम रोकर बटन्स। फ़ोन की बॉटम साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में हमें मिल जाता है 3.5 mm जैक, प्राइमरी माइक्रोफोन, USB टाइप सी कनेक्टर, स्पीकर ग्रिल। और फ़ोन के राइट साइड की अगर हम बात करें तो हमें मिल जाता है यहाँ पावर लॉक अनलॉक बटन और सिम ट्रे। और सिम ट्रे हम देखते हैं इसमें स्टोरेज का क्या ऑप्शन है। और बिल्कुल इसमें माइक्रो SD का ऑप्शन है, ये एक हाइब्रिड स्लॉट है, मतलब इसमें 256 GB इनबिल्ट स्टोरेज है 8 GB रैम के साथ। और उसके बाद में हम इसको आगे भी एक्सपेंड कर सकते हैं माइक्रो SD कार्ड के साथ। ऊपर की तरफ मिल जाता है हमें ये एक सेक्शन जिसके अंदर है हमारा सेल्फी कैमरा। और ये है डिस्प्ले 6.5 इंच सुपर AMOLED डिस्प्ले जो कि है एकदम फुल व्यू डिस्प्ले। और कलर्स हैं वो काफ़ी वाइब्रेंट हैं और फ़ोन की हैंडलिंग काफ़ी शानदार है। और हमें एक बार सेटिंग में जाके देखना चाहेंगे हमें क्या इसका एंड्रॉयड वर्जन मिलता है। अबाउट फ़ोन में जाते हैं तो सबसे पहले डिवाइस नेम मिल जाता है हमें रेनो 2, उसके बाद में हमें कलर वर्जन है वो मिल जाता है कलर OS का 6.1 और एंड्रॉयड 9 पाई पे ये काम करता है। प्रोसेसर जो है वो है इसमें स्नैपड्रैगन 730G AIE ऑक्टाकोर प्रोसेसर जो कि एक काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन थोड़ा सा ओवर प्राइस लगता है ये फ़ोन। लेकिन कैमरा का अगर हम इसमें देखें तो ओवर प्राइस है वो मायने नहीं रखती है। डिवाइस का जो स्टोरेज है वो है 256 GB और 222 GB है वो है अवेलेबल हमारे पास। तो
ये था इसका कुछ डिटेल्स फंक्शंस। और अब हम इसकी एक बार इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट ज़रूर टेस्ट करना चाहेंगे। कर दिया है हमने इसमें फिंगरप्रिंट और फेस इनरोल दोनों। अब हम सबसे पहले तो इसका फिंगरप्रिंट टेस्ट करना चाहेंगे कितना जल्दी ये ओपन होता है। बिल्कुल ये एकदम क्विक ओपन है, जैसे ही हमने हमने इसको किया और ये एकदम टच करते ही ओपन है एकदम। तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट तो काफ़ी फास्ट है। अब हम देखना चाहेंगे इसका फेस अनलॉक है वो कितना फास्ट है और हल्का सा टाइम लेता है। जैसे हम दोबारा ट्राई करते हैं और ये हल्का सा ट्राई किया और ये खुल गया। हम दोबारा ट्राई करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, हल्का सा बस ये पॉपअप होने का जितना टाइम लगता है उस पॉपअप होने के टाइम के अंदर ही ये ओपन हो जाता है। तो दोनों चीज़ हैं वो काफ़ी फास्ट है इसके अंदर। तो ये एक काफ़ी गज़ब का कैमरा फ़ोन है। अब इसके बात करते हैं हम कैमरा की, जो कि इसकी मेन हाइलाइट्स, ये क्वाड सेटअप। और सबसे अच्छी बात इसका जो कैमरा सेटअप है वो बिल्कुल अंदर है, मतलब बाहर निकला हुआ नहीं है। जबकि आजकल सभी फ़ोनों में कैमरा सेटअप है वो बाहर निकला हुआ होता है, लेकिन इसके अंदर एकदम ग्लास के अंदर फिनिश्ड है, वो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी इसकी। बाकी हैंडलिंग वगैरह सब शानदार है। तो अभी इसका कैमरा टेस्ट करते हैं, देखिए वीडियो भी आप आगे। ये मैं शूट कर रहा हूँ रेनो 2 से और मोड जो है वो है वाइड एंगल का। और अब करता हूँ मैं इसको 1x जूम और ये एक नॉर्मल मोड है। और अब करता हूँ 2x जूम और अब करता हूँ मैं इसको 5x जूम। तो आप देख सकते हो पहाड़ है वो एकदम पास में नज़र आ रहा है और क्लियरिटी है वो एकदम अच्छी है। तो जूम के मामले में ये फ़ोन काफ़ी आगे निकल जाता है। अगर मैं आपको बात करूँ इसके जूम की तो बिल्कुल क्लियर कट जूम है। और रेनो 2 की जो प्राइस है वो है 37,000 रुपये, 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ में। तो ये था इसका कैमरे का एक छोटा सा चेकअप। तो कैमरा के लिए फ़ोन काफ़ी गज़ब का साबित है। अगर हम इसका 20x जूम चेक करना चाहें तो वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कितना होता है। 5x जूम तक ये एकदम क्लियर दिखाई देता है हमें, ये 5x जूम है। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ ये जो जूम है ये है 10x जूम है। और अब करता हूँ मैं इसको 20x जूम और ये इसका 20x जूम है, जिसमें कुछ का साफ है वो दिखाई नहीं देता है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। लेकिन हाँ, हम देख सकते हैं इसमें जो भी कुछ है वो सारा कुछ हम देख सकते हैं, हमें दिखाई दे जाता है लेकिन क्लियर नहीं दिखाई देता है। तो अच्छी बात है, मतलब 20x जूम बहुत ज़्यादा होता है। और ये कैमरा के लिए ये फ़ोन वाकई में गज़ब का फ़ोन है। ये एकदम वाइड एंगल मोड आ गया। ये ली है मैंने सेल्फी कैमरा से एक पिक और ये हैं कुछ अलग अलग पिक्स जो कि हैं 48 MP से HDR मोड में। तो जो दिखने में क्वालिटी है वो कुल मिला के ठीक है। ये थोड़ी जूम करके मैंने पिक्चर ली है और मैंने एक दो शॉट है वो वाइड एंगल का लिया है, ये शॉट है वो पूरा वाइड एंगल का है। वीडियो कैसा लगा देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।